शूज़, जब तक इंजन वार्म अप होता है मैं थोड़ी अपनी किट विट लेके आता हूँ। उसकी अनबॉक्सिंग, अपने अनबॉक्सिंग तो देख ली है बोल्टी, सो इंस्टॉलेशन के लिए भी मैं नेक्स्ट डे गया था, तो अब तक आप वो देखो। तो मेरे फ्रेंड के साथ मैं गया था, तो उसका पूरा वीडियो है तो आप देखो। उस दिन पीछे बाइक वॉश कराने भी गया था, उसका भी पूरा डिटेल वीडियो देखेगा आपको। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है सैटरडे, सो अभी मैं अपने फ्रेंड के पास जा रहा हूँ, तो वो मेरी थोड़ी हेल्प करेगा इसमें, वो मोबाइल चार्जर लगाने में बाइक में मेरी। सो एंजल बिल्कुल रेडी है, सो बस मैं निकल रहा हूँ, तो आपको वहाँ जाकर दिखाता हूँ कि आज हम कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे। चल सी यू। बेसिकली क्या हुआ है कि उन्होंने मुझे थोड़ा सा पैकेज का बताया, वो इज ट्राइंग टू सेल मी ऑप्टिक कोट, जिसको वो 8,000-10,000 तक बता रहे हैं, लेकिन मेरा बजट भी नहीं और मुझे लगता नहीं कि इतना ज़्यादा इस बाइक का खर्च करना चाहिए, तो बाकी हम देखते हैं कि कितने तक। अभी मुझे क्लियर करता हूँ, मेरा आई थिंक प्लान था वॉशिंग और रबिंग का ही, तो वॉशिंग रबिंग आई थिंक इनफ है, थोड़ा स्क्रैचेज हट जाएँ और वॉश एक ढंग से हो जाए, क्योंकि अभी तो रिसेंटली लास्ट वीक मैं राइड पर गया था तो उसके बाद से क्लीन नहीं हुई है। तो अभी बात करते हैं, अभी तो बहुत बिजी है, मतलब चल रहा है, तो थोड़ा नेक्स्ट मेरी बाइक करा देगा। और वो सरबजीत कब से उसका साइड पैनल खोल के बैठा हुआ, उससे ना बंद ही नहीं हो रहा है। सो क्या क्या प्लान है बाइक के लिए? बाइक का बेसिक प्लान है आपका रेगुलर 800+ का है। ओके, पूरा कंप्लीट वॉश होगा बाइक का, लिक्विड फोम, उसके बाद सारी वैक्सिंग होगी। ओके, और डिटेलिंग हो जाएगी, डिटेलिंग से मतलब क्रोम पार्ट है कहीं छोटा, क्लीन हो जाएगी। मेरे थोड़े स्क्रैचेज हैं तो मुझे उसके लिए कुछ कराना है। कराना चाहिए 3,000 जिसमें आपकी गाड़ी की जो ऑक्सीडाइजेशन है वो एकदम विद क्रोम पार्ट टैंक नहीं यार, इतना तो आपके लिए तो रेगुलर में आपका, फिर आप कह रहे वॉशिंग है देन बस वॉशिंग है। तो वैक्स में से आपके मशीन से लगाते हो? मशीन से करते हैं। ये सारा का सारा काम मैनुअल है और ये सारा का सारा मशीन से है। बिल्कुल सर, चलो अभी तो रेगुलर ही कर दो, आई थिंक वॉश हो गया। ठीक है, तो अभी अभी आपने सुना कि उन्होंने बोला कि लाइक बेसिक जो है वॉशिंग प्लस थोड़ा वैक्सिंग का है 800 प्लस टैक्सेस, तो मैं वही वाला पैकेज ले रहा हूँ, क्योंकि जो जो डिटेलिंग है, जो प्लैटिनम पैकेज है, वो 3,000+ टैक्सेस है, तो मुझे नहीं लगता है लाइक मेरे पास अगर कोई अच्छी सुपर बाइक होती तो मैं खर्च करने के लिए तैयार था, लेकिन यार जो बाइक है 60,000 के लिए, उसके लिए कोई 3,000 रुपये तो आई थिंक जायज़ नहीं है। तो फिर अभी 800 वाली सर्विस ही ऑप्ट करी मैंने, तो अभी वो बाइक अंदर बस कर रहे हैं वॉशिंग के लिए। बाकी मैं लगाता हूँ कैमरा, अगर टाइम लैप्स या कुछ बनता है तो आपको दिखाता हूँ। ठीक है,
तो टोटल चार्ज आया अराउंड 940 का, 800 प्लस टैक्सी, जिसमें वो आई थिंक GST लगा है बस। अगर हम निकलते हैं घर जाना है, क्योंकि बाकी अभी चार्जर भी इंस्टॉल करना है। कैसे उस दिन मैं और मेरे फ्रेंड गए थे, हमने तो पहले तो हमें एक्सप्रेस कार वॉश ही हमें